एक और नए बेहतरीन रिक्शे पे, अच्छी होगी तभी बिक्री होगी। 40 सेम चेसिस पाइप में बनाया है, आगे भी सपोर्ट है पीछे भी सपोर्ट है, तो मजबूती आगे का स्पेस तो दिखाइए ना। मेन चीज क्या है कि पैर रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। जो यूज किया गया कंपनी की चीजें सारी यूज की गई है। नेक है, चेसी का नेक है, वो डबल नेक है कि 5 साल वारंटी मिलेगी। आपकी हेडलाइट खराब हो जाएगी, आपका एफएम खराब हो जाएगा, अच्छा। आपके इंडिकेटर खराब हो जाएंगे। ये नहीं टूटेगा इसकी गारंटी है, क्योंकि हमारे रिक्शे का पानी एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अच्छी बात क्या है कि स्टेपनी जो है आपकी पूरी कवर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज हम आ गए हैं एक और नए बेहतरीन रिक्शे पे जिसका नाम है सहयात्री। और सहयात्री के बारे में और जानकारी जानने के लिए हम बुलाते हैं सहयात्री के जो सुपरवाइजर भैया हैं, मोहम्मद असलम भैया। आइए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए भैया, और हमें सहयात्री का दिखाने के लिए। जो सहयात्री ई रिक्शा है वो हमने पहले भी इसको देखा है, कई बार देखा है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाकी ई रिक्शे से अच्छी है। और जाहिर सी बात है कि अच्छी होगी तभी बिक्री होगी। और क्या खास बात है इसमें, क्यों आपको ये सहयात्री ई रिक्शा लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पूरी देख के ज़रूर जाना। तो चलिए हम जानते हैं। तो भैया बताइए कि ये सहयात्री जो आपका ई रिक्शा है, इसमें क्या खास बात है और क्यों लोग इस पे आकर्षित होते हैं? क्योंकि इसमें देखिए, आप इधर से देखेंगे सामने जो फ्रंट का जो गार्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये 60-40 सेम चेसिस पाइप में बनाया जाता है, ताकि अगर कोई गाड़ी अगर हिट भी करती है तो इसको पूरा सपोर्ट मिले, पूरा सपोर्ट मिले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए, और ये जो फ्रंट ग्लास का स्टैंड है इसका, ये देखिए ना, इसका जो 1.25 इंची पाइप में, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कम पाइप, ये पतला पाइप लगाने से वो थोड़ा सा थिकनेस कम हो जाती है, थिकनेस कम हो जाती है, बिल्कुल। तो अच्छा, ये चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ये बटरफ्लाई है पीछे है, लेकिन बटरफ्लाई से पहले जो ये प्रोटेक्शन है ये यहाँ पे आपको मिल रही है। प्रोटेक्शन क्या है कि अगर आपका कभी भी एक्सीडेंट होता है, या मतलब एक्सीडेंट में कहूँगा टकरान, जाहिर सी बात है ई रिक्शा है, दिल्ली में चला रहे हैं कहीं और चला रहे जाम में, तो लगेगा ही। अब अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका सीधा इस पर लगेगा, और जाहिर सी बात है अगर इस पर लगेगा तो टूटने का खतरा ज़्यादा होगा। लेकिन इसके पीछे भी हमने सपोर्ट है, सपोर्ट है इसके पीछे भी, ये देखिए इसके पीछे भी इसे सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये इसको खाली छोड़ दिया, इसके पीछे भी सपोर्ट है, लेकिन आगे भी सपोर्ट है पीछे भी सपोर्ट है, तो मजबूती जो है आपको चलने लगी, सालों साल तक चले, उसकी पूरी गारंटी यहाँ पे मिल रही है। अच्छा आगे चलते हैं भैया, बताइए। उसके बाद आप इसके साइड का पैनल देख लीजिए, ये जो साइड का पैनल है हमारा, ये आपको ना पूरा एल्युमिनियम में मिलेगा। अच्छा, ये चीज़, ये भी डबल लेयर है, आप इस पे ऐसा नहीं है कि आप खाली ये लगा दिया एल्युमिनियम का है तो ये टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके नीचे भी सपोर्ट है, पट्टी डबल, इसके नीचे भी एक पट्टी दिख रही है, पट्टी दी हुई है, सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि खाली पैर रखते ही टूट जाता है, एल्युमिनियम का है तो दो पेच लगा दिए रोक दिया, वैसा नहीं है। उसी साइड से साइड के ड्राइवर के सेफ्टी के लिए, हेड सेफ्टी के लिए। अच्छा, जैसे यहाँ बैठ जाता हूँ मैं, बैठने के बाद देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पे बोला जाता है कि एक ही बैठेगा, लेकिन हमारे रिक्शा भाई दो बैठाते ही बैठाते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे का स्पेस तो दिखाइए ना, मेन चीज क्या है कि पैर रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए जब दो आदमी बैठाएगा आदमी। हाँ, अभी देखिए भैया की हाइट कितनी है भैया आपकी? मेरी हाइट 5'6" है, 5'6" और जो ऊपर स्पेस दिख रही है, अगर 6 फुट का भी आदमी है आराम से बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। दूसरी बात देखिए, जो लेग स्पेस, क्योंकि ई रिक्शा जो है चलाना पूरे दिन है, अब जो पूरे दिन चलाना है तो ये लेग स्पेस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आराम से दिख रहा है। देखिए पैर मेरा फैल रहा है, और अगर बोलूँगा नहीं, बोला एक ही जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठाते हैं
एक और बंदा आराम से, देखिए मैं भी बैठा हूँ, एक और बंदा के लिए काफ़ी जगह यहाँ पे मिल जाती है, और पकड़ने के लिए भी अगर मैं सीधा बैठ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो फ्रंट का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पे सामने व्यू है जो काफ़ी सही व्यू आ रहा है। डिजिटल यहाँ पे पैनल है, CY प्लस का यहाँ पे जो है आपको मीटर मिल रहा है, डिजिटल मीटर मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए चाबी खोला और यहाँ पे आपको पूरा बैटरी परसेंट, कितना किलोमीटर चल रहा है, कितने किलोमीटर चला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जा रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो ये रिवर्स फ्रंट ये बजर के साथ आपको ऑपरेट होता है, और थ्रॉटल मिल रहा है आपको, थ्रॉटल भी CY गोल्ड का थ्रॉटल है। ये देखिए CY गोल्ड का थ्रॉटल, मतलब जो कंपनी की चीज जो यूज़ किया गया, कंपनी की चीज़ें सारी यूज़ की गई हैं, तो जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है, अब अगली चीज़ में आता हूँ। ये देखिए, ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे जो नेक है, चेसी का नेक है, वो डबल नेक है, डबल से भी दो रॉड, एक ये देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके बाद में भी आगे पत्ती का सपोर्ट है, और इसके बाद भी देखिए यहाँ पर आगे पत्ती का सपोर्ट है। ये अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ये पत्ती का सपोर्ट है, यहाँ पे ये रॉड ये लगाया गया है गोल, और उसके बाद ऊपर यहाँ पे पत्ती का सपोर्ट है, दोनों साइड आपको दे रखा है, तो मजबूती है। और एक चीज़ जिसके बारे में ये हमेशा बहुत बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो भैया आप बता रहे थे पेंट का, हाँ पेंट का बताइए, पेंट का इसमें क्या खास क्या है ना, पाउडर कोटिंग क्या होता है कि कुछ सालों में निकल जाता है बिल्कुल। और ईडी पेंट में क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से इसकी लाइफ भी अच्छी है, करीब 8 साल की लाइफ आती है और 5 ईयर्स वारंटी दी जाती है। अच्छा मैं बता दूं, जो ये ईडी कोटिंग है, ईडी कोटिंग ये बता रहे हैं कि आपको आराम से कुछ भी नहीं तो ये 5 साल की वारंटी दे जा रही है, कि 5 साल कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ पाउडर कोटिंग और ईडी कोटिंग में फ़र्क क्या होता है। देखिए सबसे बड़ा फ़र्क पाउडर कोटिंग में क्या होता है, आपने उसको पाउडर लगाया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं दिखाया, पाउडर लगाया आपने, भट्टी में डाला, उसको निकाल दिया, पाउडर कोटिंग ख़त्म, ठीक है, ये होगी पाउडर कोटिंग। लेकिन ईडी कोटिंग में क्या होता है, पाउडर पे मतलब पेंट होने से पहले वो कई स्टेजेस से कई लिक्विड में डुबोया जाता है, उससे निकाला जाता है, जिसके कारण उसकी जो चिपकने पेंट चिपकने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, और जो पेंट जितना भी जर्क होता है बॉडी के अंदर वो सारा निकल जाता है, जितना भी होल होता है, पोर्स होता है, वो सब निकल जाता है और उसके अंदर पेंट घुस जाता है, उससे मजबूती है और जो पेंट चिपकने की कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये है ईडी कोटिंग है, जिसकी 5 साल वारंटी मिलेगी, पेंट तो आपका खैर कहीं नहीं जाने वाला। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये है ड्राइवर जहाँ पे है, और उसका देखिए पीछे की तरफ दे रखा है। यहाँ पे आपको CY गोल्ड का कंट्रोलर मिल रहा है, 4 यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोई भी अगर ख़राबी होगी तो यहाँ पे देखिए लाइट जल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बजर मिल रहा है, MCB मिल रही है, और जैक देखिए जैक अच्छी क्वालिटी का जो है जैक मिल रहा है, डीजी कन्वर्टर एग्जूम को मिल रहा है। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है कि एक्चुअली कंपनी की कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपको, जैसे अगर मैं इसमें कोई लोकल कंपनी का लगाता हूँ तो कस्टमर को मेरे पास आना पड़ेगा, बिल्कुल मैंने ये लगाया है, मेरे को पास नहीं आना पड़ेगा, वो सीधा अपने घर से फोन करेगा, कंपनी वाला आएगा और कंपनी वाला आएगा सही करके चला जाएगा। ठीक है, ये चीज अच्छी बात है। इससे एक और भी फायदा है कस्टमर का, फायदा ये है इससे कि वो जैसे कि लोकल है, कन्वर्टर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है गाड़ी के अंदर, बहुत मायने होते हैं इसके। अगर कन्वर्टर खराब होता है गाड़ी के अंदर, रिक्शे के अंदर, आपकी हेडलाइट खराब हो जाएगी, आपका FM खराब हो जाएगा। अच्छा। आपके इंडिकेटर खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 48 वोल्ट को कंट्रोल करके कम वोल्ट में लाती है कि ये छोटी छोटी चीजें चल सके, 48 वोल्ट में लेता है और 12 वोल्ट निकालता है कि छोटी छोटी चीज चले, फूके ना। हाँ, अब क्या होता है कि अगर कोई हल्की क्वालिटी का होगा तो जब इसके अंदर 48 वोल्ट आएंगे और उसकी कैपेसिटी उसको झेलने लायक नहीं होगी, झेल लायक क्योंकि लोकल कंपनी है, तो आपका इंडिकेटर और जो भी सारी चीजें वो फूकते जाएगी, खराब होते जाएगी। 12 वोल्ट से चलने वाली जो भी चीज है वो सारी फुकने लग जाएगी, जो भी LED लाइट यहाँ पे दिख रही है आपको, ये सब खराब हो जाएगा। सिस्टम हुआ, हेडलाइट हुआ, इंडिकेटर हुआ, रिवर्स हॉर्न हुआ, जितना भी आपका इसके अंदर 12 वोल्ट से सप्लाई चलने वाली जो भी चीज होती है वो आपकी खराब हो जाएगी, बिल्कुल। अगर कन्वर्टर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज भैया ने हमें बताई है। और अच्छा। इसकी देखिए आप रूफ के ऊपर आ जाइए, देखिए ये रूफ के ऊपर हमने एक अच्छा इसके ऊपर वो बनाया है, खोल ले उसको। देखिए आप सोचते हैं कि भाई हमने रिक्शा ले लिया, भाई अब इस रिक्शे में रूफ के अंदर अब भाई वजन तो रखेगा, भाई रिक्शा लेगा तो वजन तो रखेगा, ऐसा तो है नहीं, जब कैरियर है तो खाली जाएगा, बिल्कुल भाई
अरे मेरे में 50 किलो वजन तो होगा, और 50 किलो वजन पे भी अगर धचका लगाएंगे तो डबल होता है, डबल होता है, टूट जाना चाहिए ना, टूट जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि इसके नीचे दिखाइए, इसके नीचे जो हमने ये नट बोल्टिंग की है ना, इसकी ये एक पैनल के ऊपर की है, ये इसके नीचे हमने सपोर्ट दिया, सपोर्ट के ऊपर हमने ये लगाया ताकि ये इसका वेट, जो भी सामान इसके ऊपर रखा जाएगा उसके वेट को ये बैलेंस करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कैरियर आपका लगा है, कैरियर इसके ऊपर यहाँ लगा है, और इसके बिल्कुल जो जुड़ा हुआ है वो नीचे से है, मतलब ये नट बोल्टिंग छत के ऊपर, मतलब जो छत के ऊपर वो कोई खतरा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये हो गया आपका पैसेंजर वाला। अब भैया हम यहाँ चलते हैं, इस पे आ रहे हैं, बैठिए आप एक बार इधर बैठिए, चलिए बैठ जाते हैं। मैं बैठ गया। होता है जब हम रिक्शे में बैठते हैं ना, तो दूसरा पैसेंजर जब आता है, जैसे कि आप सपोज कीजिए मैं भी आ गया, आप बैठे हुए हो, तो रिक्शों में क्या होता है, ऐसे इस तरीके से घुटने रखने पड़ते हैं। हाँ, घुटने बिल्कुल एक के ऊपर एक रखने पड़ते हैं। आपकी भी हाइट अच्छी खासी है, 5 फुट मेरी भी हाइट है, हम दोनों में हम आराम से देख लीजिए कंफर्ट है, कोई आपने ऐसे घिचके तो नहीं बैठे ना, मैं घिचके बैठा हूँ, अच्छा मैंने पीछे भी स्पेस दिया हुआ, पीछे भी स्पेस। अच्छा, एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी इसमें कि ये वाली सीट और ये वाली सीट ऑलमोस्ट बराबर है, नहीं तो होता क्या है कि ये वाला बैटरी के वजह से इसका जो बड़ा हो जाता है वो बहुत छोटा हो जाता है, वो चीज वहाँ पे नहीं करेगी, और ये छोटा करने के चक्कर में यहाँ स्पेस अच्छी मिल जाती है, जो कि काफी जरूरी है। अब ये देखिए ना, हम दोनों के बीच में 4 इंची की जगह है, मैंने पैर आराम से रखा है, ऐसा नहीं चिपका रखा है, इन्होंने पैर आराम से रखा है, और बिल्कुल देखिए कोई चिपकने वाला जो खतरा है वो बिल्कुल। अब ये हम सबसे मेन चीज क्या होता है, जब हमारे रिक्शे वाले भैया जो भी इसे लेता है वायर, अब उनका काम होता है कि भाई सवारी बिठा के ले जाना है, सवारी का काम क्या होता है, जब जिस गाड़ी में हम बैठेंगे वो थोड़ी सी कम्फर्ट होनी चाहिए। अब क्या होता है कि एक मेल बैठा हुआ है, एक फीमेल बैठा हुआ है, अब वो क्या है, अनोन होते हैं, कोई जान पहचान भी तो बहुत कम होते हैं। अब अनोन पर्सन है, उसकी टांगों के बीच में टांगे जा रही हैं, तो बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है, अनकंफर्टेबल फील करता है कस्टमर। अब वो क्या होता है कि इस बार वो हमारे कंपनी के रिक्शे में बैठे, सहयात्री में बैठे, उन्होंने देखा कि इसमें अच्छा स्पेस है, तो वो अगली बार क्या करते हैं, जब आने के टाइम पे अगर वो देखते हैं कि पीछे कोई सहयात्री आ रहा है, तो पहले उसको आगे वाले को जाने दें, तू जा मेरे को सहयात्री में बैठना, इसमें कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, अब इसमें लेडीज अगर बैठेगा या जेंट्स बैठेगा तो उसे कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है, चलने में भी कोई इशू नहीं आएगा, और उनको कंफर्टेबिलिटी भी कंफर्टेबल को फील होगा, ये चीज है मेन। अब इसमें सीट भी हमने ऐसी सीट दी है, इसके अंदर लिक्विड सीट। अब ये जो ये फॉर्म नहीं है इसके अंदर, फॉर्म होता है तो वो नहीं हिटलॉन है इसके अंदर, कुछ टाइम बैठने के बाद ना दब जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म जो कह रहे हैं ये, उसकी वजह से दबता जरूर है, लेकिन जितनी बार भी दबे अपने आप ऊपर आ जाएगा, कभी भी दबे नहीं रहेगा। इसकी जो क्वालिटी है वो यही है, और ये हम खाली यूज नहीं करते, कार की सीट में भी यही लगता है, बाइक की सीट्स में भी यही लगता है, तो ये हमने इसलिए लेके आए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अमूमन क्या होता है सीट खराब हो जाती है, उसमें नीचे एक लकड़ी रह जाती है, अब कस्टमर क्या बोलता है कि भाई इस लकड़ी पे बैठ के जाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा ना बैठने में, हम बैठे हैं, अच्छा अभी एक लकड़ी पे बैठे होते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अच्छा। तो वही चीज है, आने वाले टाइम में कस्टमर जो लेने वाला है, अभी रैक्सिंग भी इतनी अच्छी है कि फटेगी नहीं, आप इस चीज को अभी चेक कर सकते हो, आप इसकी क्वालिटी देखिए, मेरे कहने से मत मानिए, आप खुद चेक कीजिए इसकी रैक्सिंग की क्वालिटी। मैं सच बताऊं, मैं काफी तेज के दबा रहा हूं इसको, लेकिन क्योंकि रैक्सीन है तो ये फटने का बिल्कुल सवाल नहीं है, जो जल्दी निकल। अब इसका हम देखते हैं कि नीचे जो बैटरी का एरिया है वो ये देखिए, यहाँ दो बैटरी यहाँ पे रखी है, और एक और भी चीज क्या है हमने इसके अंदर बताइए, दूसरे रिक्शों में आप देखोगे ये जो मडगार्ड है ना, ये ओपन होता है, पहिए का पानी अंदर आता है गाड़ी के अंदर, अच्छा हमारे रिक्शे का पानी एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा। अच्छा ठीक, यहाँ पे जो ओपन रहता है मडगार्ड वाला, सही समझे, यहाँ टायर दिख जाता है, लेकिन यहाँ टायर नहीं दिख रहा है, तो टायर के वजह से जो पानी अंदर आता है वो चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं, खत्म हो जा रही है बिल्कुल। और वाटर ड्रॉपिंग का पूरा क्लियरेंस दिया हुआ है नीचे, हाइड्रोलिक रैक शॉकर दिए हुए हैं। अच्छा ये देखिए, ये कौन सी बैटरी है, ये सूर्य बैटरी है, सूर्य की कंपनी में नहीं मिलेगी, हर कंपनी में नहीं, क्योंकि देखिए इसमें फायदा ये है, देखिए इसको अगर ऊपर निकाल, इसीलिए मैंने इसमें नट नहीं लगाया ताकि आपको निकाल के दिखाने में आसानी हो। अब क्या है कि बोलते हैं कि पानी गिरता है, तो पानी नहीं गिरता, क्योंकि ये देखिए ये है, पहले कवर लगा, एक तो ये लगा हुआ है उसके नीचे, उसके ऊपर ढक्कन है, फिर ये लगा हुआ है, तो जो पानी, क्योंकि आपको पता है कि पानी गिरेगा तो चीजें खराब होंगी, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है कि पानी गिरेगा भी नहीं, आपकी चीज इधर से आइए आप सर, मैं आपको एक चीज छोटी सी दिखाता हूँ, आपको भी शायद अच्छा लगे। हमने ये 1.25 इंची के एंगल लगाए हैं इसके अंदर, जो हमारी जो बैटरी को सपोर्ट, जिस पे बैटरी रुकती है ना, हाँ वो ये एंगल का बनाया है,
आप नीचे से इसको उधर से नीचे से कवर करके दिखा सकते हैं, उधर से ज़्यादा से अच्छा दिखेगा। ये देखिए ये नीचे से कवर है, तो नीचे से बिल्कुल एंगल लगा के कवर कर दिया, देखिए, ताकि जो है ना कहीं से कहीं तक टूटने फूटने की, जो पैसे देने वाला व्यक्ति है वो बहुत लोअर अच्छा चीज मिले, अच्छी चीज मिले, और वो बहुत मेहनत से पैसे कमा के एक रिक्शा लेता है। हाँ, और रिक्शा लेने के बाद में वो 10 दिन बाद 1 महीने बाद उसका एंगल टूट जाता है, वो कंपनी जाता है, कंपनी वाले होते कल आइए परसों आइए, वो काम ही क्यों करना है, काम ही नहीं करना है, वो सीधी सिंपल सी चीज है, उस चीज को पहले ही अपना अच्छा करके चलेंगे हम, हमारी तरफ से फुल। काफी कई तरह के रिक्शे हैं, कुछ रिक्शे क्या करते हैं कि भाई उनको एक दो साल चले उसको, यात्री को रुकना है, अपना रुतबा बनाना है और फिर आगे आपके साथ बढ़ना है, इसलिए ऐसी चीज डालनी जरूरी है जो आगे तक चलने वाली है और आगे तक काम करने वाली है। इसके पीछे से बैक पैनल देखिए, ये यहाँ पे शाह यात्री का लोगो लगा हुआ है, और एक चीज जो शाह यात्री में मैंने सबसे पहली बार देखी थी वो ये चीज है, ये चीज ठीक है। इसमें अच्छी बात क्या है कि स्टेपनी जो है आपकी पूरी कवर है, ये देखिए पीछे टायर है, स्टेपनी पूरी, अगर स्टेपनी निकाल ली है तो आप इधर से दो नट खोलने हैं आपने, ये देखिए और इसका टूल भी देते हैं यहाँ पर आपको, बेसिक टूल किट में सब मिलने वाला है, और ये देखिए ये दो नट खोलना है आपने, दो नट खोलने हैं और ये रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाएगा और आप निकाल के इसमें स्टेपनी आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज क्योंकि देखो स्टेपनी चोरी होती है, अब नहीं होगी, अब बिल्कुल सुरक्षित हो गया, ठीक है। आपको जो खोलने के लिए जो नट है वो टूल किट मिल रहा है, खोल के आप इसको निकाल सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों साइड से नहीं खोलना है, ये भी अच्छी बात है, दूसरी साइड हमने कब्जे दिए हुए हैं। अच्छा, इस साइड में कब्जे हैं तो ये फोल्डेड है ऐसे करके। अच्छा, दरवाजे की तरह खुल जाता है, एक दरवाजे की तरह खुल रहा है, ये देखिए यहाँ पे कब्जे दे रखे हैं अंदर से, और वहाँ वो खोलिए और ये दरवाजे की तरह बाहर की तरफ खुल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा स्टेपनी की तरह से निकाल के रखना है, नहीं, आपको नट खोलना है, इसको दरवाजे की तरह खोलना है, स्टेपनी निकालनी है, चेंज करनी है, वापस लगा देना है बिल्कुल फिट। और ये देखिए पीछे लोग क्या करते हैं, चलो वो लगा दिया है, ठीक है, अब भाई लगा तो दिया, बच्चे तो मानते नहीं है। हाँ भाई, बच्चे मानते हैं क्या, पीछे बैठ जाते हैं। ये देखो, हाँ, पूरा आप अच्छे से आप विमान भी आप चढ़ के देखिए ना, आपको भी पता होना चाहिए ना किस पर चढ़े थे। ये देखिए आप भी, अरे मैं उछल कूद रहा हूँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको दिखाने के लिए सभी गाड़ी में सेम आता है अपना। तो दोस्तों ये आपको ई रिक्शा है, शाह यात्री का रिक्शा, इसका नाम क्या मॉडल, इसका हमारा सेमी है, ये शाह यात्री सेमी मॉडल है, सेमी डिलक्स मॉडल। अगर इसकी प्राइस की बात, प्राइस क्या होगा इसका, ये अभी हमारा यूपी में स्टार्ट होता है 1,35,000 1,30,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा, 1,35,000 1,30,000 से स्टार्ट होता है यूपी के अंदर। हाँ, आप दिल्ली में, क्योंकि गाजियाबाद का ये रेट है, गाजियाबाद का, अगर अदर स्टेट कहीं अगर मंगाते हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और वो एक अलग चीज है, मतलब एक हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो भी मैं आपको अभी प्लांट भी दिखा दूंगा, प्लांट अगली वीडियो में हम प्लांट भी दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं जो ये पैसे बताया है, ये अभी जहां पे है गाजियाबाद उसका प्राइस है, आज का प्राइस है, आज की डेट का। अगर आप 6 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं, 2 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियो में वीडियो पुरानी हो गई होगी, प्राइस की महंगाई है, प्राइस बढ़ भी सकता है लेकिन घट भी सकता है, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो रही है तो चीज़ें घट भी सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये सब जानने के लिए वीडियो के नीचे नंबर है, हमने भैया का नंबर डाल दिया है, वीडियो के नीचे नंबर है, वीडियो में कॉल करिए और भैया से पूछिए कि कब ई रिक्शा कितने का है, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, पूरे पैन इंडिया सेल है इनकी, जहाँ पे आपको ई रिक्शा लेना है हो जाएगा, आसाम, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जिस जगह आप सोच सकते हैं कि रिक्शा चलता है उस जगह इनका ई रिक्शा चलता है, ठीक है। तो अगर आपको ई रिक्शा चाहिए, वीडियो के नीचे नंबर है, कॉल करिए, ई रिक्शा लेके जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना है करके आने वालों को अलग से डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, हाँ ये भी जो है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और फिर भैया पे जाएगा, मतलब वीडियो देख के जाएगा, सब्सक्राइब करके जाएगा, उसको एक अलग से डिस्काउंट मिलेगा, वो हम अपनी तरफ से, वो भैया अपनी तरफ से देंगे, और भैया बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब देने के लिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे वीडियो में एक साथ यात्री के एक दूसरे मॉडल के साथ, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।